हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर पिक्सल का। वर्ड तो आपने सुना ही होगा पिक्सल। आप कहते हो कि कहाँ पे सुना होगा बेसिकली कि मेरा कैमरा इतने मेगापिक्सल का या इमेज ये इतने पिक्सल की बन गई है, कहते हो ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो सिलेबस है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चे हो यानी कि BCA MCA या BTech या कोई भी आप CSE IT से रिलेटेड है या आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, वहां पे ये टॉपिक कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। बट ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेज है, 2D 3D इमेजिंग व्यूइंग जो भी हमारे पास आएगी टॉपिक्स आगे, वहां पे बार बार यूज होने वाला है पिक्सल 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 पिक्सल। तो भाई उस चीज को अच्छे से करने के लिए हम पहले अच्छे से समझेंगे पिक्सल क्या है या इससे रिलेटेड आगे आने वाली दो वीडियो के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके की वीडियो नहीं मिलने वाली। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पिक्सल का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, पिक्सल की डेफिनेशन क्या कहती है मेरे पास कि इन डिजिटल इमेजिंग। पहले मैं आपको डिजिटल इमेजिंग का मतलब बता देता हूँ। देखो डिजिटल इमेजिंग का मतलब होता है कि सपोज करो मैं कहता हूँ कि आपको कंप्यूटर एक इमेज जनरेट करनी है, ठीक है। जनरेट का मतलब इमेज कैप्चर करनी है, तो कैसे करोगे? आप कहोगे मोबाइल से कर लेंगे या जो DSLR आते हैं उससे कर लेंगे, यही होगा आपके पास, ठीक है जी। दूसरा और कोई तरीका बताओ, दूसरा तरीका सोचो। दूसरा तरीका है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर में आप क्या करते हो, एक कागज लिया, कागज के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, वो आप रखते हो उस डिवाइस के ऊपर, वो कैप्चर करता है फोटो इलेक्ट्रिक जो लाइट चलती है उसके बाद, देन वो इमेज क्रिएट होकर आपके पास डिवाइस में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां पे भी कनेक्ट कर रखा होगा उसमें आ जाती है। तो इसमें होता क्या है, आपने कैमरे से एक फोटो खींची, ठीक है जी। अब आप देखो फोटो किसकी खींच रहे हो, एक रियल वर्ल्ड अराउंड जो भी आपके सामने चीज है, जैसे मैं ही खड़ा हूं तो फोटो खींच रहे हो, सामने आपको क्या दिख रहे हैं, ये कोई कलर्स दिख रहे हैं आपको इस इमेज के अंदर, बेसिकली क्या है, ये सारे कलर्स है। तो ये कलर्स बेसिकली क्या हुआ, आगे जाके डिजिटाइज हो जाते हैं। मोबाइल ने कैप्चर करी एक इमेज, वो इमेज जब आपके पास डिवाइस में अंदर जनरेट होके आती है तो कर क्या रहा है, डिजिटाइजिंग कर रहा है। मतलब जो उसके सामने चीज थी उसके अंदर जो रियल वर्ल्ड जो उसको कलर दिख रहे थे उसको उसने डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कलर्स थे रियल वर्ल्ड के उसको उसने एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब हर कलर की एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू दे दी, बिल्कुल छोटी छोटी जो भी न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू होगी वो दे दी। वो क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या हुआ, जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, मेरे पास जैसे सपोज करो ये ब्लैक ब्लू कलर है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास इमेज के अंदर ये ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। जब ये कैप्चर होता है, डिजिटाइज होता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इंफॉर्मेशन जो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये सारी ऐसी जो भी चीजें आपको देखे, सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, डिजिटाइज कर दिया जाता है, तब जाके उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से और ये इमेज आपके सामने आ जाती है। तो ये होता है हमारे पास डिजिटल इमेजिंग, यानी डिजिटाइज होके रियल वर्ल्ड की कोई पिक्चर आपके पास इमेज बन के आ गई है, डिजिटल इमेजिंग, क्लियर होगी। अब मैंने क्या कहा, रियल वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, कैमरा या कोई स्कैनर यूज करके डेटा वैल्यू के अंदर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया हर जगह पे, ठीक है जी। अब ये चीज सारी हमारे पास क्या होती है, पिक्सल होती है, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, पिक्सल होती है। अब पिक्सल को समझते हैं कि जब हमने किसी कैमरा से स्कैनर से कोई इमेज क्रिएट करी तब क्या होता है कि अब पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट, पिक्स मतलब पिक्चर, ईएल मतलब एलिमेंट, ये इसका पूरा नाम है। तो इसमें क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज। अब इमेज के अंदर मैंने क्या कहा, एक इंफॉर्मेशन जा रही है, यानी कि जो कलर की रियल वर्ल्ड में कलर दिख रहा है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू में। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन ही तो पास कर रहे हैं, तो पिक्सल क्या हो गया हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन हो गई इमेज के अंदर, द स्मॉलेस्ट, मगर याद रखना स्मॉलेस्ट आइटम है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने दे दिया आगे कैमरे को या जो भी डिवाइस है, देन वो क्या होता है, देखो इसमें ये जो पिक्सल होते हैं वो अरेंज होते हैं एक इमेज के अंदर इन टू डायमेंशनल ग्रिड, रो एंड कॉलम, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इसको,
एंड आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज डॉट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसको समझते थोड़ा सा डीप में, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, सपोज करो ये आपका डिवाइस है, ज्यादा बड़ी इमेज नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। इसने इमेज कैप्चर कर लिया, ये समझ लो एक इमेज ही है, ठीक है। इसने क्या कहा, देखो पिक्सल क्या है, द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। एक इमेज के अंदर स्मॉलेस्ट हमारे पास जो चीज होती है उसे हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, जो हम सामने कलर्स देख रहे हैं, सिंपल चीज। अब देखो मैंने क्या कहा, अरेंज इन टू डायमेंशनल। एक इमेज है, इसके अंदर पिक्सल्स है, मगर ये कैसे अरेंज है, टू डायमेंशनल ग्रिड के अंदर, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ऐसे पता नहीं कितने होंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, एक ग्रिड बन गया, ये सारी क्या हो गई रोज, और ये सारे क्या हो गए कॉलम हो गए, ठीक है जी। अब सपोज करो इसके अंदर कोई इमेज बनी हुई है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए सपोज करो आपने एक इमेज ले ली थी, कैरेक्टर ऐसे बनाना था, आपने ए लिखना था, ये एक इमेज है, ठीक है जी। तो ये जो स्मॉलेस्ट है, ये सारे के सारे क्या है, ये पिक्सल है हमारे पास, ओके। अब पिक्सल मैंने क्या बताया, रियल वर्ल्ड की इमेज। सपोज करो सामने आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये सारा पोर्शन व्हाइट है और ये ब्लू है, यही चीज दिखी आपको। तो व्हाइट का जो कलर होगा पिक्सल, ये देखो ऐसे कन्वर्ट कर दिया, व्हाइट का जो कलर होगा, जो पिक्सल वैल्यू होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो यहां पे आ जाएगी। तो इस पोर्शन में क्या करेगा, व्हाइट कलर दिखा देगा। ऐसी सेम ये भी व्हाइट है, तो यहां पे उसकी पिक्सल की वैल्यू होगी, वो व्हाइट की दिखा देगा। ऐसे ये भी क्या, एक पिक्सल है व्हाइट कलर में है, तो व्हाइट कलर की जो पिक्सल की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसे दिखा देगा। जब ये यहां पे ए को ड्रॉ करने आएगा, तो ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर कहां पे पड़ रहा है, इस पिक्सल में पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस ब्लू कलर की जो पिक्सल की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो डाल देगा, और वहां पे मुझे ब्लू दिखने लग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरी इमेज के अंदर जितने भी पिक्सल है सबकी इंफॉर्मेशन चली गई, जो जो उनसे कलर उसको दिखाने थे वो उनकी इंफॉर्मेशन चलेगी, और उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है जी। एक पेंटर होता है, वो क्या करता है, कलर्स यूज करता है, कलर को ही तो लगा लगा के वो कोई इमेज क्रिएट करता है। तो वही चीज क्या है, पिक्सल है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको एक इमेज को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रिड में डिवाइड कर दिया, और हर ग्रिड की हर एक पिक्सल की, ठीक है, वैल्यू होगी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मतलब है, उसकी कलर की वैल्यू, वो कलर की वैल्यू यहां जाएगी इंफॉर्मेशन, और उसको डिस्प्ले कर देगा। इतना क्लियर हो गया, चलिए अब आगे हम क्या कहते हैं। देखिए ये जो पिक्सल होते हैं हमारे पास, एक तो रो कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो गए, एंड दे आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज डॉट स्क्वायर रेक्टेंगल। यहां पे मैंने इसको ऐसे तो ग्रिड में दिखा दिया, बट अंदर ये कैसे है, डॉट्स की फॉर्म में है। ये जो स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, तो ग्रिड है हमारे पास, इसको मत कंफ्यूज करना। इस पिक्सल के अंदर वो कैसे है, या तो डॉट्स की फॉर्म में होंगे। अब मेरे पास एक सेकेंड, रुक जाइए, ब्लू ग्रीन और एक सेकेंड बस। हाँ, हमारे पास पिक्सल मैंने क्या कहा, डॉट्स की फॉर्म में, या तो ये ऐसे होंगे, या मैंने क्या कहा, अंदर ये इस तरीके से बने होंगे स्क्वायर की फॉर्म में, या ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं ना, एक इमेज दिखाता हूं अभी कंप्यूटर पे, इसको देख लीजिए, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा एक्चुअली में चीज क्या है। तो देखो ये इमेज है आपके पास, जिसमें क्या है, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में भी है, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी है, और ट्रायंगल या एक हमारे पास सर्कल की फॉर्म में भी, जैसे डॉट्स हम कह रहे उस फॉर्म में भी है। तो इस तरीके से जो हमारे पास रो कॉलम के अंदर एक डिवाइड हो जाती है, एक इमेज है हमारे पास, तो उसके अंदर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आता है, देखो इतनी चीज मैंने समझ लिया, एक आइडिया तो ले लिया कि पिक्सल क्या चीज है। उसके बाद मेरे पास चीज आती है कि पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले ऑन द वीडियो मॉनिटर। आपके वीडियो मॉनिटर पे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, बिल्कुल। देखो इमेज को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर किसी को मैंने पिक्सल बोला है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई ना, जो मैंने स्टार्टिंग बोला स्मॉलेस्ट आइटम होती है इंफॉर्मेशन की, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी डिस्प्ले की, एक इमेज की ऑन वीडियो मॉनिटर, सिंपल सी चीज, ओके। अब चलते हैं हमारे पास की इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल इज वेरिएबल। अब हमारे पास हर पिक्सल की, हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो यहां पे मुझे व्हाइट कलर, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल अभी हो जाएगा, ये कौन सा कलर है, देखो मैंने यहां पे सपोज करो ये कलर दिखाया, ये मेरे पास कौन सा है, ग्रीन कलर, ओके। दूसरा देखो एग्जांपल, ये क्या है, ये भी तो मेरे पास, हालांकि ये आप ऐसे समझ जाइए,
इससे समझ जाइए, इससे जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, ये दोनों कहने को तो क्या है, ग्रीन कलर है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? आप ये मत बोलना ये लाइट ग्रीन है ये डार्क ग्रीन है, नहीं, टेक्निकल शब्द के अंदर ये क्या है, ग्रीन, ये हमारे पास क्या है, ग्रीन, ये भी ग्रीन है, बट इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी का मतलब कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, कितना डार्क है, कितना लाइट है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कितना चमकीला है, ये ज्यादा चमकेगा क्योंकि इसमें क्या ज्यादा ब्राइटनेस है, ये थोड़ा डार्क रहेगा क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा डार्क शेड में आ गया। तो दोनों ग्रीन है बट इनके क्या है, शेड्स अलग अलग है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या करा कि जहां पे मुझे थोड़ा सा लाइट दिखाना है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, और जहां पे मुझे डार्क दिखाना होगा इसकी इंटेंसिटी कम कर दूंगा। समझ गए? तो यही इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाती है, पिक्सल की जो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन जाती है, तो यही इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन सा कलर कैसे आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीजें। तो इंटेंसिटी ऑफ इच पिक्सल इज वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहां से यहां पे आ जाना है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, यहां से यहां पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, अब मैंने जितना भी टेक्स्ट था, जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आना शुरू हो जाए। ये ऐसा डायग्राम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज बुक में। मैं आपको आज बुक भी दिखाऊंगा कि आपको मेनली बुक कौन सी फॉलो करनी है। चलिए, पिक्सल की बात आती है, तो अब पिक्सल हमने डिवाइस पे तो समझ लिया कि ऐसे रो कॉलम में लगे होते हैं, अब पिक्सल के अंदर घुसते हैं। ठीक है, अब इस पिक्सल के अंदर जाने की एग्जैक्टली ये चीज है क्या। देखो, जो ये पिक्सल है इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, यानी ये तीन चीजों से मिलके बनता है। एक पिक्सल तीन चीजों से मिलके बना है, इसको समझो। एक होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसे हम RGB कहते हैं। एक पिक्सल तीन कलर से मिलके बनता है, तीन कंपोनेंट होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसे हम RGB कहते हैं। ओके, ये हमारा कलर सिस्टम होता है, ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमारे पास इतना टॉपिक नहीं है। ये कलर सिस्टम होता है जिसमें हम, अगर हम RGB कलर सिस्टम यूज करेंगे तो हम इस तरीके से चलने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास और भी कलर्स होते हैं, सियान, मैग्नेटा काफी है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ठीक है, देखिए, अब एक पिक्सल के अंदर तीन कलर, एक इस ब्लॉक को ले लीजिए, इसके अंदर तीन कलर है, एक पिक्सल के अंदर तीन कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, आगे बढ़ो आप। अब मैंने क्या कहा था, पिक्सल क्या कैरी करता है, कहां गया हाँ, स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इंफॉर्मेशन का मतलब न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू कैरी करता है, यही बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक पिक्सल न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू करता कैरी करता है और वो तीन चीजों से मिलकर बना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि रेड की भी एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू होगी, ग्रीन की भी एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू होगी, और ब्लू की भी एक न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू होगी, जो आगे क्या होगी, सॉफ्टवेयर पास करेगा, उसको जनरेट करके इमेज दिखाएगा। यानी इस पिक्सल की बात करूं तो ये तीन कलर से मिलके बना है, ये जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, तीन कलर से मिलके बना है, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब इनकी डेटा वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू ऐसी होगी कि इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे लाइट ग्रीन मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू के अंदर देखो, इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो वो 8 बिट्स की होती है, ये भी 8 बिट्स की होती है और ये भी 8 बिट्स की होती है। न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू देनी है आपको, सपोज करो 15, 17, 50, 100 जो भी देनी है, तो कंप्यूटर तो इन चीजों को नहीं समझता, तो बिट्स बाइट्स की फॉर्म में समझता है, तो जो भी हम वैल्यू देंगे वो 8 बिट्स में होगी, ये भी 8 बिट्स में होगी, ये भी 8 बिट्स में होगी, तीनों को आप ऐड करोगे तो कितने हो गई, 24 बिट्स हो गई। यानी एक पिक्सल के अंदर तीन कंपोनेंट, रेड, ब्लू, ग्रीन, और तीनों के तीनों 88 बिट्स के, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एक पिक्सल कितने बिट्स का हो गया, 24 बिट्स का हो गया ना, 24 बिट्स का बन गया भाई। एक कंपोनेंट्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना एक पिक्सल, दोबारा बताता हूं, और हर कंपोनेंट की यानी रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू कितनी है, 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन हम आगे दे रहे हैं, यानी टोटल 24 बिट्स। 24 बिट्स का मतलब क्या हुआ, 8 बिट्स क्या होता है, 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, इन सबको आप ऐड करते हुए चले जाओ, यानी 3 बाइट का एक पिक्सल, मैंने लिख दिया यहां पे 3 बाइट्स का मेरा एक पिक्सल बन गया। यानी कि ये डिवाइस के अंदर जितने रो कॉलम होंगे तो ये जो एक पिक्सल होगा वो 3 बाइट का होगा, और टोटल जितने भी इसके अंदर हमारे पास पिक्सल होंगे उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 3 बाइट्स, और उतने बाइट्स की वो इमेज हो जाएगी।
ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना समझते हैं, जिन बच्चों को नहीं आया होगा तो मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है। हम बाइनरी सिस्टम फॉलो करते हैं। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो बेस होता है, जो नीचे हम लिखते हैं, वो होता है टू। ठीक है, तो उस टू को हमने लिया बाइनरी सिस्टम में, उसकी पावर एट। एट क्यों करी, एट बिट्स के लिए। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टू कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 8 बार। देखो अब, 2 2 4 4 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128, में ज्यादा लिख दिए नहीं, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128 से 256। ठीक है, 2 to power 8 कितना आ गया, 256 न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब मैं 256 तक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकता हूं, जो कि स्टार्ट कहां से होगी, 0 से लेके 255, यानी 0 से लेके 255 तक के बीच में, ये और इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू दूंगा। सपोज करो मैंने 70 दी, तो 70 को वो 8 बीट्स में रिप्रेजेंट करेगा, इंफॉर्मेशन आगे दे देगा। मैंने 100 बोला उसको कि किसी कलर की वैल्यू 100 है, तो वो क्या करेगा, 100 को 8 बीट्स में कन्वर्ट करेगा, आगे इंफॉर्मेशन दे देगा। यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको आगे, 2 to power 8, 256 शेड हो गए, मतलब कि 256 वैल्यू मैं इसको दे सकता हूं, 256 न्यूमेरिकल वैल्यू इसको, 256 न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जाएगी, कोई भी हो सकती है कि 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 150 कुछ भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, कलर जनरेट होगा, जो भी उसके लिस्ट के अंदर कलर होंगे उस कॉम्बिनेशन में, वो जनरेट हो जाएगा। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 2 to power 256, इस 256 का मतलब क्या है, शेड्स ऑफ 256 शेड्स ऑफ रेड, यहाँ पे वैल्यू 0 से 255 जाएगी, टोटल 256 वैल्यू। तो मैं जहां पे जो भी वैल्यू डालूंगा उसका मतलब क्या हुआ, रेड का वो शेड आ रहा है, लाइट डार्क, बहुत डार्क, थोड़ा कम, जैसे भी है, तो 256 शेड हमारे पास रेड के हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हमारे पास ग्रीन के 256 शेड हो जाएंगे, ऐसे मेरे पास ब्लू के 256 शेड है। तो जो कलर मुझे जनरेट करना है उसका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, और वो पिक्सल की वैल्यू वहां पे जाएगी रेड ग्रीन ब्लू की, और वो कलर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखो आगे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, 256 शेड हमारे पास रेड के भी हो गए, ग्रीन के भी हो गए, ब्लू के, इन तीनों के 256 शेड हो गए। टोटल शेड कितने हो जाएंगे, 256 रेड के मल्टीप्लाई बाय 256 ग्रीन के मल्टीप्लाई 256 ब्लू के, तो इक्वल टू 16.7 मिलियन शेड। यानी कि आप जब आरजीबी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जहां पे आपने 24 बिट्स ली है, यानी हर एक कलर के लिए 8 बिट, तो आप उससे कितने कलर जनरेट कर सकते हो, 16.7, यानी 16.7 मिलियंस ऑफ कलर्स आप जनरेट कर सकते हो। सोचो इतने सारे कलर्स आप जनरेट कर सकते हो 3 कलर को यूज करके। 3 कलर है मेरे पास, रेड ग्रीन ब्लू, इसके हमने 256 शेड यूज करते गए, और हमने 16.7 मिलियंस, इतने कलर्स आप जनरेट कर सकते हो। 16.7 का मतलब हो गया 1 करोड़ 67 लाख, 1 करोड़ 67 लाख शेड आप जनरेट कर सकते हो, सोचो 3 कलर से। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर सपोज करो ये 24 बिट की जगह आपके पास 48 बिट होता कलर, तो ये क्या हो जाता है, ये आपके पास कितना होता 48 के हिसाब से, ये 16 बिट का, ये भी 16 बिट का, ये भी 16 बिट का हो जाता। तो उसके हिसाब से आप क्या करते कि 16 बिट के 2 to power 16 आप करते, उससे फिर इसको जनरेट करके देखते कि कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू जाती है, और कितने मिलियंस के बिलियन से भी ऊपर वैल्यू चली जाती, समझेगा। अब देखो ये चीज मैंने समझा दी आपको कि पिक्सल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, रेड ग्रीन ब्लू, और हर पिक्सल हर कंपोनेंट की 8 बिट की वैल्यू जाती है, यानी कि 1 बाइट, तो यानी यहाँ पे 24 बिट्स बोल लीजिए, या 3 बाइट का 1 पिक्सल बोल लीजिए। 2 to power 8 हमने इसके फॉर्म में लिया बाइनरी सिस्टम में, तो 256 कलर हम जनरेट कर सकते हैं। 256 कलर का मतलब क्या हो गया, 256 शेड ऑफ रेड ग्रीन या ब्लू, इनके हम डिफरेंट डिफरेंट शेड जनरेट कर सकते हैं, यानी टोटल 16.7 मिलियन शेड्स। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट ऑफ 3 RGB, यानी इन तीनों को मिला के जो वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है, इसकी कुछ दे दी, मान लो इसकी कुछ दे दी, इसकी कुछ दे दी, तो उसके बाद मेरे पास एक फाइनल कलर जनरेट होता है, जो कि एक पिक्सल एरिया में फिल हो जाता है। जैसे कि मैंने लाइट ग्रीन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे रेड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यूज गई होगी, तब जाके ये मेरे पास इस तरीके का शेड बन के आया। ठीक है, अब देखो वो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, इमेज साइज, सपोज कर लो किसी इमेज का साइज आपको बोला जाता है, आपने देखा होगा
1000 × 750 इतना इसको बोला गया, इतने पिक्सल है, यानी कि आपके पास ये क्या हो जाती है, ये विड्थ होती है, ठीक है, और ये होती है हाइट, जो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ये विड्थ और ये हाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, विड्थ ये हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये मेरे पास विड्थ होती है, ये हाइट होती है, तो मेरे पास इस विड्थ में कितने पिक्सल है 1000, इसमें कितने पिक्सल है 750, तो टोटल में कितने पिक्सल हो गए उस इमेज के अंदर या उस डिवाइस के अंदर, इतने पिक्सल आ गए, कितने हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 750000 पिक्सल हो गए उस इमेज के अंदर, ठीक है जी। तो एक पिक्सल की वैल्यू कितनी है, 3 byte हमने पढ़ी है, तो 750000 को मैं 3 byte से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, यानी 2250000 का हमारे पास क्या हो गया, एक इमेज के साइज हो गया, इमेज का साइज बता रहे हैं हम कि 750000 पिक्सल है और एक पिक्सल की वैल्यू 3 byte है, तो मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे, कायदाई सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 lakh, यानी 2250000 बाइट्स का वो मेरे पास इमेज जनरेट होके आ गई। इसको अगर आप MB में कन्वर्ट करो, मेगाबाइट में MB में कन्वर्ट करोगे, बोलते हैं इतने MB की इमेज होगी, इतने MB की, तो उसी को समझ रहा हूं मैं, देखो ये आपको कन्वर्ट कर देगी किलो बाइट्स में, बाइट्स के बाद किलो बाइट्स आता है, 1024000 के फॉर्म में ले रहा हूं, ऐसे आपने आगे 3 और ले ली तो ये आपके पास होगी, ये तो किलो बाइट्स में कर देगी, ये आपको MB में कर देगी, तो आपके पास कितनी हो गई 2.25 अराउंड मेगाबाइट की आपके पास वो इमेज जनरेट होके आ जाएगी। अगर उसका साइज कैसे है, आपके पास उस स्क्रीन पे उस इमेज की विड्थ कितनी है 1000 और हाइट कितनी है 750, यानी इतने पिक्सल होंगे, और वो अगर 24 बिट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होगा तो ये 2.25 MB की आपके पास इमेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब आप हम आते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, काफी मजेदार है, इतना क्लियर हो गया, चलिए यहां से अब यहां पे आ जाइए। अब जब हम RGB का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी ये कलर सिस्टम यूज करते हैं, तो सपोज करो मुझे येलो कलर बनाना है, ठीक है, वो कहता है कि आपको रंग तो चाहे जो मर्जी डालना हो, मगर आपको इन्फॉर्मेशन तो रेड, ग्रीन, ब्लू की देनी ही पड़ेगी, और ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू, न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 255 के बीच में, ठीक है, मतलब 0 से लेके 255 के बीच में कोई वैल्यू होगी, उसकी शेड की वैल्यू आगे जाएगी। तो सपोज करो वो कहता है कि आपको येलो कलर बनाना है, तो वो कहता है रेड की वैल्यू आपको 255 देनी पड़ेगी, ग्रीन की वैल्यू 255 देनी पड़ेगी, साथ में जो ब्लू की वैल्यू है वो 0 देनी पड़ेगी, ठीक है, रेड की वैल्यू 255, ग्रीन की भी 255 प्लस में 0, जब आप ये वैल्यू वहां पे जाएगी तो वो येलो कलर आपको दिखा देगा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही वो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो ब्राइट होगा, ठीक है। रेड अगर मैं 255 बिल्कुल आखिरी तक ले गया तो बिल्कुल लाइट जो होता है ना इनके हिसाब से रेड, वो कलर वहां पे चला जाएगा, ऐसी 255 इसकी दे दी तो जितना भी ग्रीन इनके पास लाइट में पड़ा है, ठीक है, वो चला जाएगा। साथ ही साथ जब ब्लू की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब ब्लू बिल्कुल डार्क में आ गया, यानी वो ब्लैकिश में आ गया, तो ये ब्लैकिश में ब्लू बिल्कुल डार्क में आ गया, जब ये जाएगा मतलब ब्लू का मतलब हो गया यहाँ पे वैल्यू नहीं जानी, तो ये जो वैल्यू है आपके पास जाके आपको येलो कलर जनरेट कर देगी, क्लियर। ऐसी ब्लैक बनाना होगा तो तीनों की वैल्यू आपको 0 0 0 देनी पड़ेगी, वो ब्लैक बन जाएगा। व्हाइट अगर बनाना हो तो आपको यहाँ पे 255 255 255 देना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट कर दोगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, उसको व्हाइट कर देगा। अगर आपको लाइट ग्रे बनाना है तो वो आपके पास 220 220 220 आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू की, तो वो लाइट ग्रे। डार्क ग्रे बनाना है थोड़ा सा तो 40 40 40, देखो डार्क करना था तो हमने चीज कम कर दी और लाइट करना था तो हमने उसकी पिक्सल की वैल्यू बढ़ा दी, क्लियर होगी चीज। तो ये थे हमारे पास थोड़े से एग्जाम्पल, ये है कॉन्सेप्ट आपके पास पिक्सल का, कि पिक्सल क्या, उससे रिलेटेड क्या चीजें है, इसे कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, इसके बाद इमेज रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो इमेज रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद एक एस्पेक्ट रेशियो, दो टॉपिक करेंगे, इमेज रेजोल्यूशन देन उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो, देन ये पिक्सल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम मूव करेंगे वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस पे, ठीक है। तो चीज काफी मजेदार होने वाली है, प्लीज चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर, एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू।